अच्छा जो वीडियो में देखते ना वो कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ में आपकी कितनी लड़ाइयां होती हैं? लड़ाइयां? अरे नहीं यार, अगर आप चाहो कोई समय भैया आप तलाक रुक ले सकते हो उसे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे कैसे कैसे आपकी लड़ाइयां होती हैं? लड़ाई दीदी जैसे मेरे को कहीं अकेले जाना, गोवा जाना है, कहीं जाना है, मेरे को दोस्तों से जाऊंगा मैं, दीदी 6 दिन तक कुत्ते वाला गणेश काटेगी। मोटा मोटा आपको बता रहे, तो मेरे भी दोस्त है दीदी, मेरे दोस्त भी बैंगलोर जाते हैं, गोवा जाते हैं, दुबई जाते हैं, उनकी बीवी भी जाने देती है, ये ऐसा रूप लेके खड़ी हो जाएगी। अरे कल तो आई थी, कल तो बड़ी अच्छी लग रही थी, कल आई थी न्यूज़ पे करवा गई और वो छोटी सामने भीगी बिल्ली है। क्या बकवास कर रहे थे आप यहाँ बैठ? मम्मी कसम है, सोच रही है कि आप उनको मेरी तारीफ करोगे। वो भाई है मेरा, आप मुझे बताओ बुरी कौन बनी? बुरी तो मैं बनी ना, आप मुझे बताओ। अब एक बंदा मेरे बारे में इतनी बुराई कर रहा है, दुनिया तो सच करती है करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीरियसली बोल रही थी, मेरा कितना मन टूटा है ना, उल्टी बातें बता रहे हैं, मुंह से जानूंगी आपका। यहाँ पे ना सनी मुंह मत चमकवाना, मैं आपको चमका दूंगी किससे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल तहलका प्रैंक गाइज। और आज का प्रैंक जैसे पहले 20 मिलियन हुआ था ना दीदी के नेल्स का, मैं कह रही हूँ इस बार 40 मिलियन मतलब पे वीडियो जाएगी। सनी आए हुए हैं दीदी के सलोन पे, जॉय नेल्स पे, फेस का कुछ कुछ कराने है ना, जैसे वो क्या भैया कब से आए हुए हैं, भैया करवा रहे हैं अभी फेशियल पेडिक्योर मैनिक्योर। उनको नहीं पता कि मैं आ गई हूँ। दीदी आपने करना क्या है, खेल क्या है? आपने करनी है उनके सामने मेरी बुराई। ओके आज मुझे देखना है कि सन्नी क्या रिएक्ट करते हैं जब कोई मेरी बुराई करता है। बहुत प्यार करते हैं आपसे? नहीं नहीं प्यार व्यार नहीं करते। हाँ। वो देखेंगे ना जब उन्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, तो जब आप मेरी बुराई करोगे तो तब मैं देखूंगी। और उनकी आईज बंद वाला फेशियल स्टार्ट करा दो। अभी अभी हो रहा है फेशियल, हो रहा है। देखना है ना भाई पति क्या करता है क्या नहीं। गाइस 40 मिलियन वाली वीडियो है, पूरे लाइक ठोक देना। और जॉय नेल में जो नहीं आया भाई साहब एक बार आ जाओ। नेल्स? हाँ नेल्स, देखो मैंने भी इधर जॉय से ही कराया था, बट मैं कल आई थी और क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है तो पार्टी के लिए सब दीदी के यहाँ से हुआ है। पर अभी प्रैंक स्टार्ट करो, आप जाओ मैं कैमरा लेके आ रही हूँ। मुझे देखना है कि सनी मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं और आप भी देखना कि ये मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अंदर। तो भैया मेरे को एक बात पूछनी है, जैसे आपकी दीदी लड़ाकी सी है, सच्ची में ऐसी है या दिखाते हो आप लोग ऐसा कुछ? सच्ची भैया देखो झूठ नहीं बोलना, बहन हो आपकी, बताओ जल्दी बोलो। क्या बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो तो बताओ। अरे बात बताओ ना आपकी, आप जैसे लड़ाकों ने हरकत है जानवर ऐसी है कि बहुत अच्छी है ये। देखो दीदी पहले तो मेरी कसम खाओ। हाँ जी हाँ जी, उसको भड़काओ भैया, मैं झूठ बोलती नहीं ना, मैं कसमें खाती हूँ। उसका गुस्सा नहीं बता, अगर आपने उसको मैसेज डाल देना, मैंने कुछ बताया आपको। जी भैया बहन और बहन के नाते बता रहा हूँ आपको। जी भैया बताओ बताओ, आपको पहले मेरी कसम खाओ। आप मैं कसम नहीं खाती भैया, झूठी झूठी ऐसे नहीं पता लगेगा। उसके बाद मैसेज नहीं जाएगा, नहीं तो आपके पास आना छोड़ दूंगा, ध्यान रखना। कहाँ फंसा रहे भैया आप तो? नहीं मैं दिल की बात कर रहा हूँ दीदी, क्योंकि देखो आप मेरी बहन बनी हुई है, मैं आपसे आपसे कभी शेयर करूंगा ना। मैं आपने सवाल अच्छा पूछा भैया, मतलब देख कर ऐसे लगता है कितनी लड़ाकी होगी, मतलब आप लोग ऐसे लगते हो कि तुम्हें सिर फोड़ते हो बाद में बैठ के। मैं कह रहा हूँ दीदी जो वीडियो में देखते हो ना, समझ जाओ उससे खतरनाक छोटी बात उसको दिल पे लगी तो लंका लगा देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले 500 रुपए गुम हो गए उससे। जी मेरे को बुलाने आई अंदर, तुमने भी 500 रुपए देखे आपने मेरे? अच्छा अच्छा, मैंने कहा नहीं तेरे 500 नहीं देखे। हाँ लेस काट दिया 500 मेरे, मतलब अरे नहीं पैसे की नहीं थी। हाँ जी बात ये थी कि सुबह मैंने देखे थे पड़े हुए थे वो। जी वो गाड़ी सीखने गई हुई थी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये कहना नहीं 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 बैठ रहा जी भैया, बैठ रहा हूँ समझ नहीं रहे, कहने का मतलब है सुबह गाड़ी सीखने जाती है। हाँ जी भैया मेरे को बता के जाती, मैंने देख भी लिए थे 500 टेबल पड़े हुए। अच्छा मैंने गेट को लॉक कर दिया, वापसी में आया तो इग्नोर खेल रही थी कमरे में। हाँ जी हाँ जी, 500 इधर उधर हो गए। मैं ऐसा कलेश काटा करके अंदर, इतना गंदा कलेश काटा, मतलब कि तुम्हें देखने के बाद इग्नोर से पैसे क्यों मिले? अच्छा जो वीडियो में देखते ना वो कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ में होती है लड़ाइयां। अरे नहीं यार, अरे नहीं बता दिया। लेकिन भैया वैसे एक बात है, आप चाहो समय भैया आप तलाक रुक ले सकते हो उसे, ऐसी कोई बात नहीं है।
वुमेन सेल में यहाँ वहाँ हर जगह मेरी जान पहचान है। तलाक वलाक लेने के लिए पोटेंशियल नहीं आप ले सकते हो। हाई कोर्ट का वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील है भैया। देखो भैया आपकी लाइफ बड़ी है, बच्चा भी आपका छोटा है। अरे सुन लो, कहाँ चले गए तलाक वलाक में, कहाँ चले गए, सुन तो लो मेरी माँ। इतना बड़ी हाई कोई बात उतनी पर चलेगी कि तुमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाएगा यार, कैसी बात है। नहीं वैसे अगर आपका वो खतरनाक गुस्से वाली मानता हूँ, थोड़ा हो सकता है एज का फर्क हो, मेरे से 8-9 साल छोटी है। अच्छा 8-9 साल छोटी है, हाँ ये फर्क हो सकता है। दीदी तो उसका गुस्सा इतना खतरनाक है कि अगर सामने बंदा खड़ा होगा ना दीदी, अच्छा बिना गोली के बिना बारूद के ऐसी खत्म कर देगी, बिना गोली के बिना बारूद के ऐसी खत्म कर देगी। अच्छा जी, नहीं आदत पड़ गई मेरे भाई, कर दूसरी शादी मैं कह रहा हूँ कच्चा खा जाएगी मेरे को, उसके बात लगी भाई ऐसी बात शादी के लिए। अच्छा जी भैया छोड़ो छाड़ो, वैसे नहीं और मिल जाती है आजकल तो भैया, क्या ही होता है वैसे, कोई फर्क तो है नहीं। और जैसे कैसे आपकी लड़ाई होती है? लड़ाई दीदी जैसे मेरे को कहीं अकेले जाना, गोवा जाना है, कहीं जाना है, हाँ। मैंने कहा दोस्तों जाऊंगा मैं, हाँ हाँ हाँ। दीदी 6 दिन तक कुत्ते वाला कलेश काटेगी। अच्छा, अरे इतना गंदा कलेश काटेगी मुझे। अच्छा जी, उसको वो चाहती है हर जगह उसके वो मेरे साथ चले। अच्छा जी, लेकिन भैया आप समझाओगे ना जी, बहन बनी हो ना मेरी, समझाना तो जिंदगी में सुधार आ जाएगा उसके। लगा आप लोगों का बड़ा ही प्यार है, दुनिया को भी ऐसा लगता है। अच्छा जी, हाँ दुनिया को भी ऐसा लगता है। अच्छा जी, सच में भैया कुछ नहीं मतलब कुछ और सोच रहे हो, कुछ और शादी वादी करनी है क्या? दीदी मेरी प्यारी सी बेटी है, सच में वो लड़की बहुत सुई है। मैं बस उसी बस क्या बोलूं, लड़की मेरी बहुत प्यारी है। मोटा मोटा आपको बता रहे थे, मेरे भी दोस्त है दीदी जी, मेरे दोस्त बैंगलोर जाते हैं, गोवा जाते हैं, दुबई जाते हैं, उनकी बीवी भी जाने देती है, ये ऐसा रूप लेके खड़ी हो जाएगी। अरे कल तो बड़ी अच्छी लग रही थी, कल आई थी न्यूज़ पर करवा गई और वो छुट्टी सामने भीगी बिल्ली है, ऐसा रूप है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कहोगे आप, अरे मेरा बच्चा ऐसा प्यार करोगे ऐसी बन जाती सामने वो। अच्छा जी, पीछे पीछे तो बहुत खतरनाक रूप लेके बैठी हुई है। झूठे मचके लगा रहे हो आप, इतना हद कर दी। वो मेरा नाम लेगी, वो मेरा नाम लेगी वो। अरे कल आई थी भैया, अरे आगे कह रही है एनिवर्सरी है, हमारा चेहरा देखकर मेरा हमारी एनिवर्सरी है, हमारी एनिवर्सरी है, हमारा ये है। दिक्कत है आपको, आपको किससे दिक्कत है? क्या कहानी जा रही थी मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या मजाक कर रहा हूँ, क्या बकवास कर रहे थे आप यहाँ बैठे? मेरी मम्मी असल में सोच रही है कि आप उनको मेरी तारीफ करोगे कि अगली अपने ऊपर बातें बनवा के और आपके बारे में इतनी तारीफें कराती है। भैया मैंने कुछ नहीं किया, वो आई है भैया आपके यहाँ। ये बताओ मजाक कर रहा था, बताओ कोई बात, क्या मजाक कर रहे थे? वो मेरे साथ मिली हुई है, वो उनको नहीं पता मजाक कर रहे नहीं कर रहे। यहाँ के सलोनों में जाके इतने सारी दुनिया यहाँ पे आती है, यहाँ तमाशे करवा रहे हो, मैंने यहाँ पे बनवा रहे हो तमाशे। मेरी क्यों लड़ाई करवा रही है ना उनसे? वो भाई है मेरा, ये बात गलत है। नहीं आपने देखो ये अगर मैंने आपको ये बता दिया की अगर आप ऐसे ऐसे बात करती है, नहीं तो आप उसके सामने मुझे कसम दे रहे हैं। आप मुझे बताओ बुरी कौन बनी, बुरी तो मैं बनी ना, आप मुझे बताओ। उनके मन में इतना कुछ है, लेकिन मुझे बोलेंगे ना क्या प्रमोशन कर रही है? उन्होंने बोला दूसरी शादी कर लो, मैंने मना करा कुछ लोग एक बार। आपने बोला है बाहर घूमने नहीं जाने देती, फलाना भी करने देती ठिकाना, आप मेरे को आपके साथ रहना भी नहीं है, समझ में आ रही है? लोगों को बता रही है दस साल छोटी है, मैं फलाना है निकालती थी, ऐसी वाली बात नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। वो भाई वहाँ पर तो करा था दूसरी शादी करने के लिए, एक बात बताऊँ दीदी। वो क्या बोलेंगे, आपको मेरी कसम है यहाँ से ना, ये घर आ जाओ और सीधा घर में। मुझे कसम दे रहे थे यार, ना लड़ाई करो मेरे यहाँ पर। बोलो तो शादी नहीं करनी, तू सही बोलो। यहाँ पे क्यों लड़ाई कर रहे हो ना? वो मुझे कसम देने के कर रहे हो, तू मुझे बोल रहा है। दीदी अपनी फीलिंग्स आपके आगे रखी कि वो मेरी तारीफ करेगी। अब एक बंदा मेरे बारे में इतनी बुराई कर रहा है, दुनिया तो जो करती है करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सलोनों में बैठे, मैं सीरियसली बोल रही थी, मेरा इतना मन टूटा है ना, मैंने सोचा था ये बोलेंगे कि गुड़िया मेरे लिए इतना कुछ करने। मेरे को पता लग गया, मेरे को खुशबू से पता लग गया था तू आ गई है। उल्टी बातें मत कर यार, मुंह से जानूंगी आपका। मैं पास कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे मुंह से जाके बैठे थे, किसने सजा रहे हैं मुंह? दीदी इसको पीछे लेके जाना है, बदतमीजी कर रही है यहाँ पर ये। दीदी ऐसी वाली बात नहीं है, सीरियसली ये क्यों करवा रही है यहाँ पे? ये मेरे यहाँ पे तो कुछ करने से होती है, तुम्हें अपनी बीवी के बारे में ये बताते हैं, पता नहीं है सारी दुनिया आती है यहाँ पे। अरे दीदी ये क्यों नहीं बोलती, तब आप कह रही दूसरी शादी कर ले, मैंने बोला शादी करने के लिए।
आपकी नियत है ना दूसरी शादी की है सन्नी, समझ में आई ना? अभी वीडियो बन रही थी, अब लोगों को पता लगेगा मैंने कितनी बुराइयां कर दी, जरा ज्यादा की वो बन रही है, समझ आई ना? अब पता लगेगा लोगों, एक बीवी तो अपने पति के लिए अपनी लोगों से बेइज्जती तक करवाती फिरती है और पति बीवी के बारे में क्या क्या सोचता है? ऐसा कुछ नहीं है, भाई है वो मेरा, ठीक है, अपने भाई को संभाल के रखो, हां तो ठीक है, वैसे ही है, ठीक है। आपने बुलाया? मैं क्यों बुलाया? एक्चुअली वो गेट था ना, वो इस गेट से आ गई ना, उसको तो पता मेरा ऊपर हुआ है, घर में टांडा करेगी आपको, गणेश काटने की दुनिया भर का इसको क्या ये आपका ये गंदे से मुंह कोई देखेगा नहीं, इसको बहन में मत रहना ना, किसी बहन में मत रहना ना, आपकी सब देखेंगे ना रंग आपके, और मैं सच में इतने दिल से आई, अरे कुछ नहीं था, क्या सोचते हैं मेरे बारे में यार, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तीन बार इन्होंने बोला शादी करवा लो दूसरी, मेरी बात सुनो, इन्होंने आपको बोला कि नहीं कि ऐसे परेशान करती है ये वो, अरे भाई अरे वो एम्प्लॉय है यार, उनके सामने भी इंसल्ट, भाई दूसरी शादी की बात कर रही थी, मैंने हाँ बोला शादी करने के लिए, हाँ इन्होंने बोला बस, आपने मुझे तो आ रही है भैया, आप ना ऐसे थे कि दीदी बस बोल रहे की यहाँ लड़की रहती है, यहाँ लड़की रहती है, आप तो ऐसा खुले सांड की तरह घूम रहे हो कि दीदी को बोलते अभी रिश्ता ले अगर आपकी, यहाँ पे ना सन्नी मुंह मत चमकवाना, मैं आपको चमका लूंगी किसी से ढंग से, समझ आई ना, और मेरी एडमिट डाल देना कुछ भी करती हूँ तो, आपकी भी ये वीडियो डलेगी, और नहीं डाली अगली बार वीडियो में ले मत लेना, वीडियो डाल के क्या साबित करेगी, ये सब देख रहे हैं ना, सब देखेंगे कौन वीडियो डालता है, आप मैं दम होगा मत दिखाना रोक के, मैं खुद ही डाल दूंगी, फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तेलका मचाता है ये तेलका मचाए।